जनपद बहराइच से चलारी घाट सीतापुर के बॉर्डर को किया गया सील। जैसा कि सीतापुर में एक कई महामारी केस मिलने के कारण बहराइच और सीतापुर का बॉर्डर सील कर दिया गया। सिर्फ खाद्यान्न पास वाहनों को ही जाने दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को इस बॉर्डर से आना जाना बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ सभी पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए पारुल मिश्रा की रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखाते हैं सीतापुर और बहराइच मार्ग, जहाँ चेलारी घाट पे हम खड़े हुए हैं, जो कि बहराइच का सबसे माना जाना और सबसे बड़ा घाट माना जाता है। आज यहाँ बहराइच और सीतापुर की रोड है, जहाँ से हजारों सैकड़ों लोग डेली आते जाते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ लॉकडाउन की वजह से यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं और आने जाने के रास्ते बंद पड़े हैं। सीतापुर का बॉर्डर सील हो चुका है और यहाँ पे आने जाने में कोई भी बॉर्डर सील हुए हैं। यहाँ पुलिसकर्मी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, किसी को भी इधर से उधर आने जाने के लिए बिल्कुल सख्ती बढ़ते हुए हैं और अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हैं। पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर अलर्ट हैं और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। आने जाने वालों पे भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस रोड से उस रोड पे बिल्कुल आ जा नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते तीन घरों को जलाकर राख कर दिया, वहीं परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। बताते चलें कि रविवार को क्षेत्र के भरतपुर गांव में सुबह करीब 8 बजे सोनपाल के छप्परदार घर पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटों को देख कर ग्रामीण दौड़ कर आए, तब तक आग ने दीवान शेर अवनीश के छप्परदार घर पर अपना आगोश कर लिया। आग पर ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डाल डालकर काबू पाया। तीनों मकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ताज मोहम्मद। किस समय की घटना है ये? 9 बजे की। अच्छा, आपका घर है ये? इसमें क्या क्या सामान था? इसमें हमारे सब गृहस्थी का सामान था, सब जाए 15,000 रुपया थे। अच्छा, पैसे भी थे? पैसे भी जल गए। आपकी ग्राम पंचायत यही है? हाँ, ये ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? जितेंद्र गुप्ता। कहाँ के हैं प्रधान? भरतपुर के। उनसे आपने आवास के बारे में कभी नहीं पूछा? हाँ, घर के घर चल चल पैर छुए जाके। अच्छा, क्या बोल दिया उन्होंने? कुछ नहीं कह देते, अभी तुम्हारा कुछ नहीं आया। अच्छा, लिखा पढ़ी कर ले गए? हाँ, लिखा पढ़ी करना ही नहीं आया। क्या नाम है आपका? सोनपाल। कहाँ के रहने वाले हो? ये कैसे घटना हुई? कैसे लग गई आग? अरे, ऐसे कैसे लग गई है? आप कहाँ थे? दुकान पर बैठे थे। आपके गाँव का नाम क्या है? भरतपुर। सुबह कितने बजे की घटना आई है? 8:30 बजे। 8:30 बजे तो आप घर पे थे, यहीं पे थे? सामने। क्या नाम है आपका? दुरान से साहब। यहीं के रहने वाले हो? यही आपका मकान है? मकान। अच्छा, कितने बजे घटना आई है? 9 बजे के टाइम का है घटना। आग कैसे लगी कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं, तो नहीं करते थे, पता ही। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।